बदमाशा विचकार मुकाबला होया जिथे की गोलियां चलाईयां गईयां ने। सुपत्ती दे पिंड मुठियावाला नेड़े बदमाशा अते पुलिस विचाले मुकाबला होया। बदमाशा ने पुलिस से गोलीबारी की थी तां पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की थी। गोली लगन दे नाल एक बदमाश जख्मी होया, एक नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक जबरी वसूली का यह मामला जिथे की जिले दे विच विदेशां दे विच बैठे गैंगस्टर लगातार फोन करके कारोबारियों तों फिरौती की मांग कर रहे सन। इन्हां बदमाशा ने कई दुकानां ते गोलीबारी भी की सी, जिस तों बाद पुलिस नूं इन्हां दो बदमाशां की पछाण पवनदीप सिंह अते कोमलदीप सिंह दे वजों कीती है। एक अपराधी है पवनदीप सिंह, जिसनूं की जख्मी हालत दे विच हस्पताल दे विच इलाज दाखिल करवाया गया, ते दूजे नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी पट्टी कमलजीत सिंह ने दस्सिया कि उक्त व्यक्ति लोगों नूं धमकियां दे रहे सन। हाल ही दे विच उक्त व्यक्तियों ने करियाला दे एक सुनियारा तों फिरौती की मांग की गई सी। सो मुठभेड़ हुई है तरन तारण पुलिस अते बदमाशां विचाले, जिथे की तरन तारण पुलिस ते बदमाशा विचाले मुठभेड़ हुई, गोलियां चलाईयां गईयां एक दूसरे ते। पट्टी दे पिंड मुठियावाला नेड़े यह फायरिंग हुई है। दस दिए कि विदेशां दे विच बैठे गैंगस्टर दे नाल इन्हां दे संबंध सन। दो व्यक्तियों नूं जिहड़ा कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, एक जिहड़ा कि बदमाश है गोली लगन करके उह जख्मी हो गया, ते एक नूं दूजे नूं गिरफ्तार कर लिया गया। जबरी वसूली का यह मामला दस्सिया जा रहा है। लगातार जिहड़े कि धमकियां दे के फिरौतियां दी मंग करदे सन। तरन तारण पुलिस वल्लों यह वड्डी कार्रवाई की गई है। मुठभेड़ हुई है तरन तारण पुलिस अते बदमाशा विचाले, जिथे कि बदमाशा दे वल्लों गोलीबारी की गई, ते उस तो बाद पुलिस ने भी फिर जवाबी फायरिंग की, जिस दे विच एक गोली लगन करके बदमाश जख्मी हो गया, जिसनूं कि हस्पताल दाखिल करवाया गया। तो जबरी वसूली का यह मामला दस्सिया जा रहा है, जिस दे विच जबरी वसूली की जाती सी, फिरौती मंगी जाती सी, इस तरह दीआं वारदातां नूं अंजाम दित्ता जांदा सी। सो पट्टी दे पिंड मुठियावाला नेड़े यह फायरिंग हुई है, जिथे कि पुलिस एक्टिव हुई, तो पुलिस ने दोवां बदमाशां नूं गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुठभेड़ दे विच गोलियां चलियां, जिस दे करके एक बदमाश जख्मी हो गया, तो दूसरे नूं गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन्हां दे संबंध जिहड़े कि विदेशां दे विच बैठे गैंगस्टर दे नाल भी दस्से जा रहे हैं। फिलहाल हुण पुलिस है जिहड़ी कि अपनी कार्रवाई करेगी, जांच करेगी, उस तों बाद की कुछ सामने के निकल के आउंदा है, किहड़े होर संबंध हो सकदे ने, उस दे बारे पूरे तरीके दे नाल जांच कीती जाएगी। ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਵਨਦੀਪ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਮਲਦੀਪ ਆ। ਪਵਨਦੀਪ ਖੀਵਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਮਲਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆਲੇ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਭਾਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨਦੀਪ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਟੀ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ।